نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته उम्मीद है खैरियत से हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कल के लेक्चर का कुछ रिकैप कर लेते हैं। किस किस ने घर पे जाके काम किया और किन किन पॉइंट्स को अपने जहन में रखा, यहाँ से जाकर यहाँ वापस आने तक कौन सी बात आपको हर लम्हे याद रही या साथ साथ चलती रही या तजर्बे में आई? जी प्लीज। मैंने बस करते हुए ये नीयत की कि अल्लाह का महबूब है और हमारा रिश्त ईमान है, और नमाज पढ़ते हुए मैंने ये नीयत रखी कि रब से मुलाकात करने जा रही हूँ। तो इसे जैसे मेरा पढ़ा था कि इससे बाकी काम को भी मेरे बहुत इफेक्ट हुआ, मेरे बाकी काम भी थोड़ा टाइम पे हुए और मैं इतनी मदद पड़ी कि मैं भी काम वक्त से पहले करके फारिग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। और लंबा सजदा किया, लंबे सजदे पर हमने बात की थी, क्या फीलिंग थी, क्या फायदा हुआ आपको? लंबा सजदा करने के जो फवाइद हैं, इंशाल्लाह वो रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर मजबूती तो है ही, लेकिन आप ही देखिए कि इबादत में और अपने रब के आगे सर झुकाने वालों में जो डिसीजन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। उसको अगर आप साइंटिफिकली देखते हैं तो उसकी भी एक पूरी लॉजिक सामने आती है कि जब आपका ब्लड पूरी तरह से आपके दिमाग की सारी शरियानों को छोटी छोटी बारीक नसों तक पहुंच रहा होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहा होता है, तो प्रॉपर वर्किंग करता है वो। जी प्लीज। कल मैंने वज़्रिस नियत से किया कि मैं जुमा जाके और लंबा सजदा नहीं किया। ओके, हमने एक और बात भी की थी और वो ये थी कि हम नोट करेंगे कौन सी जगह, कौन से लोग, कौन सी कंपनी, किस मकाम पर, किस मौके पर मुझे अपनी जात के जितने भी खला हैं या जहां मुझे काम करने की जरूरत है उन चीजों पर मुझे काम करने में हेल्प हुई। क्या आप लोगों ने इस पे तजर्बा किया? किस किस ने किया, इस पे नहीं किया? जी प्लीज। अपना माहौल, घर वाले, इबादत में उनका जो रोल था कि नमाज पढ़नी है और फौरन से उनका साथ फायदा हुआ। सही, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट काम है। जी प्लीज आप बताइए। सुबह शाम जो स्कार प्ले होते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन होती है और ऐसा लगता है कि कुवत आ रही है, कुछ जस्ट किया जा रहा है। अभी आप लोग कोर्स कर रहे हैं ना, अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं, मसलन आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आज आप लोग इस एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई करें, जब आप ये कर पाएंगे यानी खत्म कर लेंगे, जब कंप्लीट कर ले करके चले जाएंगे या कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर कौन इन बातों को याद दिलाएगा, कौन बताएगा, फिर कैसे कर पाएंगे? अगर आज ही ट्राई नहीं किया, यानी मुजाहिदे की भी आज कोशिश नहीं की, जो हम जान रहे हैं उसको अमल में लाने की अगर आज हम कोशिश नहीं कर, फिर हम कब करेंगे? फिर कभी आप कर पाएंगे? कौन आपको रिमाइंडर देगा? क्या लगता है हमारे अभी यानी कि रोजाना की बेस पे, डेली बेस पे हमारे असाइनमेंट्स, हमारे होमवर्क, हमारे काम, पूछा जाना, सवाल जवाब, फिर माहौल, और खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले उनको टाइम टेबल और डिसिप्लिन के साथ चलाना, ये सब चीजें आपको हेल्प करती है ना प्रैक्टिकल करने में। और अगर आज अभी आप प्रैक्टिकल पे 50 पे खड़े हैं तो यहां से निकलते ही कहां आ जाएंगे? जीरो पे आ जाएंगे। और अगर अभी भी जीरो पे हैं, हम जाके वो कर ही नहीं पा रहे जो यहाँ सुन के हम जा रहे हैं, अगेन यही होमवर्क लिखिए और आज जाके आपने ये करना है। कौन सा माहौल, कौन सी जगह, कौन से लोग, कौन सी कंपनी ऐसी है कि जहां मैं जाके स्ट्रांग होती हूँ या जहां पे जो काम नहीं करना वो मैं कर जाती हूँ, कहां मेरी फिसलन है, मुझे अपने आप को जानना है। अपने आप से बात कीजिए, करके दिखाइए।
अपने आप से करवाइए। देखें जो विल पावर है ना आपकी, वो आपके अपने अंदर की इसी डिसीजन पावर के साथ जुड़ी हुई है कि आप अपने आप से क्या करवा पाए, आप अपने आप को कितना समझ पाए। और ये तभी होगा जब आप शौरी तौर पर अकेले बैठ के अपने आप से बात करके अपने आप को उस चीज पे लाएंगे कि मुझे ये करना है। बाज़ुकात ऐसा होता है ना कि आपने सोचा कि मैंने गलत नहीं सोचना, मैंने नेगेटिव नहीं सोचना मस्टर, मगर किसी इंसान के सामने जाते या उसका जिक्र आते ही आप फिसल जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड बना होता है कि वो तो है ही ऐसा। आप फौरन शटअप कॉल दे देते हैं, सुनते ही नहीं है उसको, नहीं सुनते या उसके बारे में नहीं सुनते, या सुनते हैं तो फौरन नेगेटिव थिंकिंग के, नहीं इसका ही मकसद होगा, इसके पीछे तो यही लॉजिक है, यानी खैर की उम्मीद ही छोड़ देते हैं हम। बाज़ुकात ऐसी कोई जगह होती है ना, तो पहचानना है कि मेरी फिसलन क्या है, मुझे पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहना है। और वो पॉजिटिविटी आपकी ज्यादा किस जगह पे काम आएगी, जहां आपको मुश्किल पेश आ रही है, जो जो आपको ऑलरेडी एक माइंडसेट हो चुका है आपका कि ये शख्स इसमें खैर नहीं है, या इससे मुझे खैर नहीं पहुंच सकती, या इसका जो मकसद नेगेटिव हुए हैं आप उसके बारे में, वो क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्या हूं हम इसकी बात कर रहे हैं कि मैं कितनी पॉजिटिव हूं। चलिए दोबारा लिखिए आज ही होमवर्क जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। अगर एक ही चीज हमारी स्ट्रेंथ बन जाए वही हमारी वीकनेस बन जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये कब होता है, जब आप उस चीज के हाथ में अपना रिमोट देते हैं। जो हम कल बात कर रहे थे ना मेंटल हेल्थ पर, वो यही थी कि बाज औकात हम कुछ जगहों, कुछ चीजों, कुछ लोगों के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो अप्रिशिएट करें तो हम खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और अगर कहीं पे वो पीछे हटे या दूरी हो जाए या कोई भी और इफेक्ट आए तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हमें फिर वापस इस बात को याद करने की जरूरत है कि मुझे ये काम, ये चेंज, ये एफर्ट, ये मेहनत, ये एनालिसिस, ये अपने आप से बात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करनी, इसके अलावा किसी के लिए नहीं करनी। इखलाक की भी जब तक बात है तो आप देखें, इखलाक की बेस जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होती है तब तक आप उसका स्टैंडर्ड लेवल ही लेकर चलते हैं। इखलाक की दो टाइप्स हैं, एक है जवाबी इखलाक और एक है आपका स्टैंडर्ड। जवाबी इखलाक ये है कि सामने वाले ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया और आपने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, वो बोला तो आप बोले, उससे स्माइल दी तो आपने दी, उसने हेल्प की तो आपने की, उसने आपके लिए अच्छा कमेंट किया तो आपने भी पॉजिटिव लिया, और अगर कभी उसने तनकीद किया तो आप भी उसके अगेंस्ट डिफेंसिव मोड पे आ गए, ये कौन सा इखलाक है, ये जवाबी इखलाक है। और स्टैंडर्ड इखलाक क्या है कि सामने वाला खा तनकीद कर रहा है, खा तारीफ कर रहा है, खा अच्छी बात कर रहा है आपके बारे में या कोई और कॉमेंट कर रहा है, आप उसको कहां से देख रहे हैं, आप उसको मुस्बत सोच के साथ ही देख रहे हैं। ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं, इसलिए नमाज को कामयाबी की कुंजी कही गई है, क्योंकि नमाज आपको इखलास देती है। फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, और जब नमाज में आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी बाकी डीलिंग्स में भी करते हैं, और जब आप सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप किसी और इंसान के हाथ से नहीं चल रहे होते हैं। मतलब अगर एक खातून जो अपना घर संभाल रही है, जो बच्चे पाल रही है, जो एफर्ट कर रही है, अगर वो ये सब काम इसलिए करें, किस लिए करें कि अल्लाह ने उनकी ये जिम्मेदारी लगाई है और अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो क्या हस्बैंड के नाराज होने पे वो ये काम छोड़ेंगी, या इवन हस्बैंड की खिदमत भी छोड़ेंगी, या बच्चों की केयर छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी। आपने बहुत दफा ये मुशाहिदा किया होगा खवातीन के साथ कि जब वो नाराज होती हैं तो काम करना भी छोड़ देती, ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे थे अंदर से, उससे आपको वो नहीं रिटर्न में आया सामने जो आप जिसका इंतजार कर रहे, तो इंतजार किसका है, अल्लाह का है, किससे अजर का इंतजार है, किससे अप्रिसिएशन का इंतजार है, किससे शाबाशी का इंतजार है, किससे दोस्ती, कुर्बत और मोहब्बत का इंतजार है, ये मामूली बातें नहीं है, कहने और करने में बहुत फर्क है।
ये लाइफ टाइम एफर्ट है, ये टिल डेथ कमिटमेंट है, और ख्वातीन के लिए ज्यादा मशक्कत है। इसीलिए तो आप देखें कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है ना। तो बहरहाल नमाज आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखती है। इसको आपने तजर्बा करना है, वजू से लेके औकात से लेके उसकी क्वालिटी तक। जैसे हमने लंबे सजदे की बात की ना, तो हर सजदा चले ना ही सही, हर रकत का ना ही सही, लेकिन फर्ज नमाज के किसी एक सजदे पे ही आप फोकस कर लेंगे, कोई एक सजदा लंबा। और फिर ऐसे भी होता है कि जब आप सजदे में जाकर प्रॉपर अपनी पोजीशन रख के बैठे होते हैं, तो बाज़ औक़ात आप कंफर्टेबल नहीं होते, थकने लगते हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा थकेंगे, जैसे लगेगा कि मुश्किल हो रही है सांस लेने में या कुछ इस तरह से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको वो चीज़ रिलैक्स करना शुरू कर देगी। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर भी जब हम नमाज पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, या पूरी तरह आज़ा को उनकी जगह पे नहीं आने दे रहे होते और जल्दी जल्दी रुकू सुजूद और कयाम कर रहे होते हैं, तब भी आप क्या, आप देखें क्या होता है, हमारा ध्यान भटक कहीं कहीं और ध्यान होता है। जब आप इस फिक्र में होते हैं कि मुझे अपनी सारी पोजीशंस को प्रॉपरली करना है, हर उजू को उसकी जगह पे रखना, हमने ये बात की थी ना कि नमाज के अरकान में से एक रुकन जो है वो क्या है, जैसे कयाम सजदा और रुकू ये सारे के सारे अरकान है, वैसे ही सकीनत भी नमाज का एक रुकन है। और जब हम इस फिक्र के साथ नमाज अदा करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा कि मुझे एक पोजीशन पे पूरी तरह अपने आप को जमाना है, उसके बाद तो फिर वो सारा फोकस इस पे होगा, क्वालिटी पे होगा। तो बहरहाल ये चीज आपको मेंटली भी फोकस करना सीखेगी, सिखाएगी, और फिर साथ आप सीखेंगे कि आपने अपनी थॉट्स को भी कैसे अपनी तलावत पे रखना है, और फिजिकली भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहरहाल इन सारी चीजों के साथ साथ जो चीज बुनियाद बनती है वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। बार बार ख्याल भटकता है, बार बार आप लेकर आते हैं, तो थका दें शैतान को, खुद नहीं थके, वो नहीं थकता ना, कि एक दफा इसने मैंने गुनाह करवाया, फिर इसने तोबा कर दी, एक दफा नमाज एक रकत में ख्याल भटकाया, फिर अगली रकत में फोकस हो गया, फिर सजदे में ध्यान कहीं और दिया, फिर वो थकता है, वो नहीं थकता, फिर आता है। एक दफा इसकी लड़ाई करवाई, फिर तोबा करके सुलह कर ली, फिर सॉरी बोल ली इन्होंने, फिर एक हो गए, फिर इसने पॉजिटिव ले लिया, मैंने तो उसका भी माइंड मेक किया था, इसका भी माइंड मेक किया था, आपस में मिलेंगे तो फिर इनकी कुछ होगी, लेकिन ये तो फिर वापिस नहीं थकता, तो हमने भी नहीं थकना। तो ये इस तरह से आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रोंग करता है अल्लाह के साथ ताल्लुक। अल्लाह के लिए ताल्लुक आपको को स्ट्रॉन्ग करता है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक आपको मजबूत बनाएगा। ये दो चीजें, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका, क्या हम क्या दुआ करते हैं, हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका, जो आपको अल्लाह से जोड़े उसकी मोहब्बत आपको मजबूत करेगी, और फिर अल्लाह से जो मोहब्बत है वो आपको मजबूत करेगी। और फिर हमारे जिक्र की सारी सूरतें, तलावत है, नमाज है, तस्बीहात है, या लोगों के साथ हमारे मामलात हैं, या उनके साथ हमारा कॉन्शियस रहना है, वो सब का सब फिर इंशाल्लाह अल-अज़ीज आप उसमें एक अच्छाई और एक आगे बढ़ना, ये फील आपको इंशाल्लाह आएगी, मगर करने से आएगी, तजर्बा करने से आएगी, अपने आप को टारगेट देने से आएगी, डेली अपने साथ लिस्ट बना के, अपने आप से बात करके, अपने आप को फोकस करके कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो मुझे करना है। और आप ये देखिए कि इन सब को करने में आपको अपनी शख्सियत के बहुत सारे पहलुओं में अजनबियत भी महसूस होगी। मसलन आप बहुत ज्यादा बोलते थे, आपको आदत थी कि आप फौरन जवाब दें, लेकिन जब आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया तो आप जरा ठहर जाते हैं, तो हो सकता है लोग आपको बोलें तुम्हें क्या हुआ, हो सकता है आपको अपना आप भी थोड़ा अजनबी लगे, ऐसे नया नया लगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे दौर, ये सारे औकात आपको अपने आप के फिक्स करने, और अल्लाह ताला जब भी सामने ले आए, उम्र के जिस हिस्से में सामने ले आए, ये उसका ही नाम है, ये उसकी खैर है हमारे साथ, हम खुले दिल से उसको कबूल करें, हम उसको चाहें कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमें दिखा रहे हैं, चाहे वो इंसानों के
ठीक है, जब हमें कोई गलती अल्लाह ताला सामने लाते हैं तो वो किसी इंसान की सूरत में, कोई हमें बता रहा होता है, कोई हमें टोक रहा होता है, कभी कोई तंजन, कभी कोई तनकीदन, कभी कोई मोहब्बत से, कभी कोई खरखाई से। हमारा काम यह है कि हम हर 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 चीज को, हर हर जगह को, हर हर रंग को अपने लिए क्या करें, पॉजिटिव ले लें। मसलन जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो शख्स अच्छा लगता है वही आपको बात करे तो आप उसको पॉजिटिव लें और अपनी इस्लाह करें। कभी कोई शख्स अभी दिल के बहुत करीब नहीं भी है और वो आपको कभी टॉन्ट करते हुए भी कह दे तो एक मिनट के लिए खुद को रोक ले और सोच ले, इट्स ओके कि हो सकता है, अच्छा मैं सोचूं मे बी ऐसे हो। अपने आप से बात कर लेने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज है? और बहुत लेट अपने सामने आने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप कहें साल हर साल मैं इस आदत पे थी, या मैं ये काम कर रही थी, या ये मैं बात कर रही थी, या मैं यूं डील कर रही थी, या मेरा ये थॉट था, या मैं इस तरह से सोचती थी, और अब अचानक ये आज इसको क्या, ये तो अभी तक तो मुझे कभी किसी ने नहीं टोका था, या ऐसा कोई साइड इफेक्ट मेरे सामने नहीं आया था, अगर आज क्यों आया है, इट्स ओके अगर आया है, उसको वेलकम कीजिए, पॉजिटिव लेके और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ अल्लाह सुबहाना तआला के लिए। और इसमें आपकी मदद करेगा इन एनालिसिस में, इन सब चीज़ों में, इखलाकी जितनी भी हमारे चीज़ें हैं कि जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, जिन पर हमें सब्र और इस्तकामत के साथ जम जाना चाहिए, इस सब में आपकी हेल्प करता है रोज़ा। तो आज हम बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारने में, अपने तज़किए में, अपनी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए, अपने उस रब के खालिक कायनात के हुजूर पेश करने के लिए, उसकी पसंद के मुताबिक गुजारने के लिए रोजा हमें किस तरह से हेल्प करता है, चलाओ। لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है ना कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो आपने पूछा कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो साहबा इकराम ने फरमाया जिसके पास मालो दौलत नहीं, दिरहम और दिनार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुन के फरमाया था मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है। हमारी नजर में भी मुफलिस और गरीब कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा कुछ खाने पीने को, या रहने को, सहने को, या बहुत ज्यादा माल दौलत, साजो सामान बहुत ज्यादा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, अल्लाह की नजर में गरीब वो नहीं है। अल्लाह की नजर में गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? आपने फरमाया था एक वो शख्स, मेरा वो उम्मती जो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस हाल में आए कि उसके पास बहुत सारे नेक अमाल हों, नमाजें हों, रोजे हों, और क्या हो, सदका खैरात, हज उमरा, बहुत सारी नेकियां बहरहाल उसने इकट्ठी की हुई है, नेकियों के पहाड़ हैं। मगर उसके साथ साथ उसने क्या किया हुआ है, उसने बहुत सारे हकदार जमा किए हैं कयामत तक के लिए, क्यामत के दिन के लिए। वो उसके पास आए हैं, कोई आके कह रहा है इसने झूठ बोला था मेरे हक में, कोई आके कह रहा है इसने मेरे खिलाफ गवाही दी थी झूठी गवाही, कोई आके कह रहा है इसने मेरी गीबत की थी, और इस तरह से सारे हकदार आते जा रहे हैं और एक एक करके उसके नेक अमाल उनमें बांटे जा रहे हैं, और नेक अमाल बांटते 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 एक वो शख्स जिसने मेहनत की, दुनिया में मेहनत की, इबादत की, मामूली काम नहीं है, उसने कमाई की और वो कमाई कबूल हुई और वो महफूज रही, और वो महफूज क़यामत तक रही, नामा अमाल में लिखी गई, और उस दिन उसके नामा अमाल से वो लोगों को बांटी जा रही है सिर्फ इस वजह से कि दुनिया में उसने अपने मामलात ठीक नहीं रखे थे, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा था, नफ्स पे कंट्रोल नहीं किया था, जबान की हलाकतों ने उसके अमाल सारे जाया कर दिए। किसी ने कहा मेरी चुगली की, किसी ने कहा कि इसने मेरे साथ दो लोगों में लड़ाई डलवाई, क्या कुछ किया, और वो अमाल उनको बांटे जा रहे हैं। और एक वक्त ये आया कि अमाल बांटते 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 उसके पास कुछ नहीं रहा, उसके सारे अपने अमाल खत्म हो गए,
और उसके अपने अमाल खत्म हो गए, लेकिन जो लेने वाले जो हकदार हैं वो अभी भी खड़े, वो अभी भी खड़े हैं कि फलां टाइम पे इससे मेरे साथ ज्यादती की थी, अब वहां पे मालो दौलत तो है नहीं, अमाल भी खत्म हो गए, तो क्या किया जाएगा? इंसाफ किया जाएगा, वो हकदार के जो गुनाह हैं, जो उनकी ज्यादतियां हैं, उनके नामे अमाल से निकाल कर इस शख्स के नामे अमाल में डाली जा रही हैं, हत्ता के अंजामे कार में ये शख्स गुनाहों के बोझ लिए, गुनाहों के अंबार लिए जहन्नुम में चला जाएगा। ये है गरीब, ये है मुफलिस। ये सारी वो बुराइयां या इखलाक की बीमारियां, इनसे दूर रहने में रोजा आपकी बेहतरीन ढाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो, मुत्तकी हो जाओ, बच जाओ, बच जाओ। क्यों? क्योंकि जो रोजा है वो ढाल बन जाता है, गलतियों और गुनाहों का कफारा भी है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि आदमी को उसके बाल बच्चों, माल और पड़ोसियों की वजह से जिस फितने में पड़ने का अमकान हो सकता है, नमाज और रोजा और सदका उसको दूर कर देता है। यानी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें जो दिन में हम कर रहे होते हैं, गलतियां कोताहियां, रोजे की हालत में जब इंसान का दिल, इंसान का जहन रोजे की तरफ माइल होता है, एक तकवा की कैफियत उस पर होती है। आप ही देखिए कि आपने, जैसे आज भी माशाल्लाह आप लोगों का रोजा है, तो रोजे के बगैर का दिन और रोजे के साथ का दिन, कैफियत का कितना फर्क हो जाता है। फजूल बोलने को दिल नहीं करता और लड़ाई झगड़े में शामिल होने को दिल नहीं करता। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या समझाते हैं कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स तुमसे ज्यादा बातचीत कर रहे, लड़ाई झगड़े की तरफ माइल हो रहे, तो आप उसे क्या कहो, अना साइम, मैं रोजे से हूँ, मैं फजूल बात नहीं करूंगा, मैं एक की दो नहीं सुनाऊंगा। और इस तरह से बहुत नेक अमल के साथ साथ बहुत कुछ हम अपनी नेकियां बचा भी लेते हैं और अपने गुनाहों से या इखलाक की बीमारियों से दूर भी रह पाते हैं। तो गोया रोजा और तज़किया, और जैसे औकात को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना, जिंदगी भी क्या है, औकात का मजमूआ है, साल, महीने, हफ्ते और दिन। जो दिन अल्लाह की याद में गुजर गया, जो दिन अल्लाह की तौफीक के साथ गुजर गया, खैर व भलाई पे गुजर गया, वो महफूज हो गया, और उसमें हम गुनाहों से बच गए तो हम खैर व भलाई पे रहे। तो गोया रोजा आपको जिस्मानी फायदों के साथ साथ रूहानी और इखलाकी तज़किये का बायस भी बनता है। फिर आप ये देखिए कि अगर रोजे के जिस्मानी फवायद की हम बात करते हैं, तो रिसर्चेज अब बताती हैं कि रोजा आपके यानी जिस्मानी ऑर्गन्स में, आपके जिस्म आज़ा में से खास तौर पर जो हमारा निज़ाम इन्हज़ाम है, हजम करने का जो निज़ाम है, जो स्टमक है, जो आपका लीवर है, वो ऐसा उज्व है जो यानी ऐसी मशीनरी है जो मुसलसल काम करती रहती है। अगर आप थोड़ा गैप नहीं लेते खाने पीने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम बैस के रोज़े, फिर आपकी सुन्नत के जो सोमवार और जुमेरात के रोजों का तज़किरा किया कि एक मोमिन जो है वो हफ्ते में दो दिन रसूल सल्लम की सुन्नत में रोजे रखे, और फिर हर महीने की 13, 14, 15 का रोजा, ये वो दिन है। आप ये देखिए कि अगर 3 दिन आप उनको जमा करें और ट्वाइस अ वीक जमा करें, तो 4 हफ्तों के अंदर 8 रोजे ये और 9, 10, 11, 12 रहे, तो तकरीबन आधा महीना तो आप इस तरह से रोजे के साथ हैं। तो जितने फिजिकल बेनिफिट्स हैं रोजे के, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर हम मुंह में अपनी कोई छोटी सी चीज, लाइक ग्राम्स में भी कोई चीज मुंह में डालते हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, दांतों से लेके हमारा सलाइवा, उसके बाद हमारे टेस्ट बर्ड्स, हमारी जुबान के ऊपर जो जायका जानने के लिए अल्लाह ताला ने वो रखे हुए हैं, उसके बाद हमारा थूक जो है वो सलाइवा वो वर्क करना शुरू करता है, और उसके बाद हमारी स्टमक में जाने के बाद वो खाना, चाहे वो छोटी सी चीज, थोड़ी सी मकदार भी क्यों नहीं, उसके बाद फिर हमारा लीवर काम कर रहा है और उसको बहुत कुछ काम करना है, उसको अलग करना है सारे अज्जा को डिजॉल्व होने के बाद, कि कौन सा हमारा हमारी ब्लड में जाएंगे, कौन से हमारे रेड सेल्स बनेंगे, कौन से हमारे व्हाइट सेल्स के लिए तैयार होंगे। तो छोटी सी चीज भी हमारी मशीनरी को एक्टिवेट कर देती है।
और फिर साल हा साल जब हम बगैर गैप दिए अपनी मशीनरी को चलाते रहते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर पर आता है। तो रोजे के खाने में गैप लेने के और खाने के औकात तब्दील होने के, नहीं आम हालात में आप सहरी के वक्त कुछ भी नहीं खाते, आम हालात में आप सहरी के वक्त अपने सिस्टम को एक्टिव नहीं करते, लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला जो खाली के कायनात भी है, सहरी का वक्त भी उसी ने होकर रात दिन के औकात शेड्यूल सारा डिसिप्लिन, रात के टाइम ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जैसे आप देखते हैं कि जो पौधे हैं नबातात हैं जो दरख्त हैं वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ इंसानों के लिए वो फजा में उनके लिए बेनिफिशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। ये सारा निज़ाम जो अल्लाह सुबहानहु ताला ने बनाया है वही हमारे जिस्म का निज़ाम बनाने वाला है, और जब वो इन रोज़ों को नमाज के औकात को सजदे को फिर अफ्तार को हमारे लिए बताता है तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ों का फायदा है, हमारे स्टमक के लिए और इसके साथ साथ हमारे अज़ा में। आप ये देखें जब आप एक रोज़ा रखते हैं तो आपको पहले दिन कुछ महसूस होता है और दूसरे दिन आपको थोड़ा फील होता है, तीसरे दिन आपको महसूस ही नहीं होता कि आप रोजे से हैं, आपका सिस्टम अल्लाह ने इतना जबरदस्त बनाया है कि वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि फितरत पे हैं हम और फितरत के साथ चल रहे हैं और अल्लाह ही का हुक्म है रोजे का, तो आपका सिस्टम उसको इतना अच्छा अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर इसी तरह रोजे के हवाले से याद रखिए कि सोम दाऊदी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रोजा था, अल्लाह सुभानहु तआला को पसंद है एक दिन रोजा रखा जाए और एक दिन छोड़ा जाए। जैसे एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि रसूल सल्लम मैं लगातार रोजे रखना चाहता हूँ, तो आपने उन्हें क्या कहा था कि तुम रोजों में गैप करो और बहुत ज्यादा भी कुव्वत अगर तुम अपने पास रखते हो तो क्या करो एक रोजा रखो और एक छोड़ो, यानी एक दिन रोजा रखना एक दिन खाना एक दिन अफ्तार और एक दिन सयाम, ये अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। फिर इसी तरह से रोजे के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि अस्सयामु जुन्ना, रोजा जो है वो ढाल है, रोजा ढाल है। इस लफ्ज में आप ये देखिए कि कुछ भी हमें स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि जिस्मानी तौर पे बीमारियों से ढाल है या अखलाकी बीमारियों से ढाल है, गोया सब से ढाल है, किसी एक चीज के साथ जोड़ा नहीं गया इसको। आप ईमान का लेवल रोजे की हालत में अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक कुर्ब नमाजों में शऊरी तौर पर सजदे और रुकू का एहसास और कुरान पाक की तलावत में एक उनसियत और एक कुर्ब और एक मोहब्बत का एहसास, इन सब चीज़ों में फर्क महसूस करते हैं रोजे की हालत। तो रोज़ा तज़किया में, औकात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताबिक गुजारने में, इखलाकी बीमारियों और जबान की खास तौर पर जो जबान का शर है उससे बचने में बेहतरीन मददगार है। फिर ये जो हदीस है कि आदमी को उसके बाल बच्चों माल और पड़ोसियों की वजह से जिन फितने में पड़ने का अमकान होता है, क्योंकि जब हम दुनिया में रह रहे हैं मामलात कर रहे हैं, सिला रहमी भी करनी है, रिश्तेदारी भी करनी है और बहुत कुछ लोगों के दरमियान रहते हुए लेन देन और मामलात भी करने हैं, तो वहां पे फूंक फूंक के कदम रखने, तकवा को मेनटेन रखने में रोजा आपका बहुत हेल्पफुल है। आप सब्र के साथ जब आप नफ्स पे कंट्रोल करके खाना पीना छोड़ते हैं तो नफ्स पे कंट्रोल करके बहुत दफा अल्लाह ताला आपको कुव्वत देते हैं कि आप गुस्से को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं आप तनकीद भी अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं, आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, गुस्सा पी लेते हैं, माफ करने की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, अल्लाह सुबहानहु ताला जो मालिक कायनात है उसने जितनी इबादत इंसान के लिए मुकर्रर की हैं वो इंसानी जिंदगी में उसको कहाँ कहाँ से फायदा देती हैं ये तो बनाने वाला ही बेहतर जानता है। जितना आप इस पर रिसर्च करें सोचते जाएं आपको मोर देन वन बेनिफिट्स आपको हर हर पॉइंट पे नजर आते हैं। आप ये देखिए कि जिससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती उससे अपना मूड क्या बर्दाश्त होगा, सोचने की बात है ना, उससे लोगों के बिहेवियर्स कैसे बर्दाश्त होंगे, उसे नेगेटिविटी को हैंडल करके उससे पॉजिटिव पॉइंट्स लेने कैसे आएंगे। तो जो एक नफ्स पे कंट्रोल है खास तौर पे, अपने आप पे जब्त जो है, जो अपना आप अपने हाथ में रखना जो है, फिर आप ये देखेंगे कि आम हालात में आप जो काम खाते पीते कंफर्टेबल होते भी बहुत सारे बेनिफिट्स के दरमियान में भी नहीं उनका ख्याल रख पाते, वो नेकी काम नहीं कर पाते, भूखे पेट वो काम आपके लिए आसान हो जाते हैं।
तीन दफा दिन में खा के नमाजें बोझल हैं, मगर पेट भारी है तो नमाजें आसान हैं। यहाँ पे मुझे अब्दुल्ला बिन उमर का वाक्या याद आ रहा है। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर अपने दौरे खिलाफत में अपने कुछ साथियों के साथ सफर पे जा रहे थे, तो रास्ते में खाने का वक्त हुआ और उनके साथियों ने खाना लगाया, खाने के लिए बैठे तो साथ से एक चरवाहा गुजर रहा था, और चरवाहा गुजरा तो असहाब ने खाना पीना शुरू किया, और खाते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की नजर जब उस चरवाहे पर पड़ी तो आपने उसको बुला लिया खाने में, यानी शामिल करने के लिए। यहां से ये भी सीखने की बात है कि जरूरी नहीं आप खाने पे सिर्फ उसी को बुलाए जिनको आप जानते हो, जान पहचान। हमारे यहाँ दावत पे खाने पे किसको बुलाया जाता है? जिसको आप जानते हैं, या फिर जिन जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक है, या फिर ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं, है ना, उनके साथ आप रब्त रखना चाहते हैं, उनको खाने पे बुलाया जाता है। नहीं, इस्लाम ये तालीम नहीं देता। सबको खाने में शामिल करें जितनी अल्लाह तौफीक दे, जानते हैं या नहीं जानते। सलाम के बारे में भी यही है ना, सल्लम मन अरफ्ता व मन लम तअरफ। तुम उसको भी सलाम करो जिसको तुम जानते हो, और उसको भी सलाम करो जिसको तुम नहीं जानते हो। बिल्कुल इसी तरह से खाने का भी जो है, आप उसको भी खिलाओ जिसको आप जानते हो, और उसको भी खिला दो जिसको आप नहीं जानते हो। तो क्या करना चाहिए? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की तरह, जैसे उन्होंने उस चरवाहे को बुलाया और खाने पे दावत दी। वो आया और उसने पूछा, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि आओ और हमारे साथ खाना खाओ। उसने जब ये सुना तो वो कहने लगा कि अना साइम, मैं रोजे से हूं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने ये सुना तो थोड़ा अच्छा भी लगा, हैरान भी हुए, तो कहने लगे क्यों रोजे से क्यों हो? तो कहने लगे कि मैं अय्यामुल खालिया में अपने आगे के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है ना, कुलू वश्रबु हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि तुम खाओ पियो और खुशी बनाओ उन अय्याम खालिया में जो तुमने मेहनत की थी, उसके बदले में आज जन्नत में मोमिनीन को ये कहा जाएगा। हाँ, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने जब उससे ये सुना तो बहुत ही हैरान भी हुए, मुतासिर भी हुए, कि क़यामत की याद में और क़यामत की तैयारी के लिए सहरा में बकरियों को चराते हुए एक चरवाहा इस एहसास के साथ रोजे से है कि मैं अगले अपने आगे के लिए तैयारी कर रहा हूं अय्यामुल खालिया में। तो आपने उससे थोड़ी सी उसका और थोड़ा इम्तिहान लेने की और थोड़ा उसको और जानने की कोशिश की, और कहा कि अच्छा ऐसे करो, एक बकरी हमें दे दो, हम खरीद लेते हैं, हम तुम्हें उसके बदले माल दे देते हैं, और हम उसको पका के कुछ गोश्त तुम्हें भी दे देंगे, तुम भी अफ्तारी कर ले। आप ये देखिए कि रोजे की हालत में इंसान का तकवा और अल्लाह के साथ कुर्ब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। बहरहाल, मगर रोजा एक मरतबा आप दिल कड़ा करके रख ही लें तो फिर आपको उसके बहुत से फवायद और बहुत सारा खैर अल्लाह ताला नसीब करते हैं। हम आज अपनी सारी फैसिलिटीज के बीच में भी रोजा नहीं रख पाते, और एक वक्त ऐसा था कि एक चरवाहा, यानी मुसलमानों के दीन और ईमान और तकवा की हालत में आप देखें कि एक चरवाहा जो चरा रहा है, सहरा में चरा रहा है, और चराना कोई आसान काम नहीं है, आपको चलना पड़ता है, मुसलसल चलने से प्यास लगती है, और जब कोई नहीं देख रहा तब भी उसे अपने रोजे का ख्याल भी है। ऐसे शख्स के साथ डीलिंग में अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि आप क्या करो, ये मुझे दो और हम इसको पका के आपको भी शेयर कर लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये बकरियां जो है ये मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की है, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसकी इजाजत के बगैर बेच नहीं सकता। तो आप कहने लगे कि उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने बेच दिया, कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया। ये बात सुनकर चरवाहा बोला, फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, कि अगर मेरा मालिक मेरे सर पे नहीं भी है, वो मुझे नहीं भी देख रहा, तो फिर अल्लाह कहाँ है, वो तो देख रहा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर
बहुत देर तक याद करते रहे, रोते रहे और कहते रहे, एक चरवाहा कहता है कि अल्लाह कहाँ है, एक चरवाहा कहता है कि अल्लाह कहाँ है। तो मुसलमानों पे एक वक्त ऐसा भी था कि उनके अंदर अमानत, ईमान और तकवा इस हाल में था। हमारे पास भी बहुत कुछ अमानत होती, जैसे यहाँ पे काम करने वाले लोग मसलन, उनके पास कुछ चीजें अमानत के तौर पर होती है। पढ़ने पढ़ाने वालों के पास कुछ अमानतें होती है। मसलन क्या क्या अमानत होता है जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं? आपके पास वक्त अमानत होता है कि 8 से 2 आपने इस काम के लिए देना है। और क्या अमानत होता है आपके पास, क्या चीजें अमानत के तौर पे होती है? बताइए। मसलन स्टूडेंट्स की तरबिया और स्टेशनरी और जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या है कि जो उन्होंने काम लिया है, जो सुन लिया है उसको प्रॉपरली करना। और क्या अमानत है आपके पास यहाँ? जी हाँ, लाइट्स, रिसोर्सेज जो आपके पास आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन जो आपके पास ऑफिस में कोई कागज पड़ा है, कोई स्टेशनरी है, क्या ये हमारे लिए जायज है? वाईफाई अगर हमारे पास है, क्या हम ड्यूटी आवर्स में अपनी पर्सनल ईमेल्स कर सकते हैं? वाईफाई पे हम मसलन व्हाट्सएप या फिर एफबी पे जा सकते हैं, अलाउड है? या हमारे पास जो स्टेशनरी है, कोई पेजेस हैं, वो खुद से जो मर्जी उसके ऊपर लिख के जाया करते रहे? और क्या अमानत है हमारे पास? जो ड्यूटी दी गई है, जो ड्यूटी हमें दी गई है उसमें हम कितना फेयर है? और क्या अमानत? हमारा स्टडी टाइम, बिल्कुल, कि अगर हमारे सर पे उस्ताद मौजूद नहीं भी है तो क्या वक्त हमारे पास अमानत है? और हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों को हॉस्टल में टाइम टेबल में एक साइलेंस टाइम दिया जाता है कि ये आपके पास अमानत है। गौर व फिक्र का, अपने आप से बात करने का टाइम है, अपने रब से और अपने आप से बात करें, जो लिखा है अपने लिए उस पर काम करें। और क्या अमानत है हमारे पास? जी हाँ जी, और क्या अमानत होता है? हमारा वक्त जो है, जी बिल्कुल, ओवरऑल जो हमारा वक्त है हम उसको कैसे गुजार रहे हैं। बासियत कौम हमें कितना ज्यादा, एक वक्त था कि एक चरवाहा, चरवाहे को क्या समझा जाता है जिसके पास शऊर नहीं, इल्म नहीं, उसने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अल्लाह का तकवा जो है, जो हिकमत है, जो मखाफतुल्लाह है, वो हिकमत देता है ना। अल हिकमतु मखाफतुल्लाह, अल्लाह का खौफ सारी एजुकेशन है। अल्लाह का खौफ आपको डिसीजन पार देता है, अल्लाह का खौफ आपको कैसे एजुकेट कर देता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है। यानी अल्लाह का खौफ ही है जो आपके इल्म को आपके अमल में बदलेगा। अल्लाह का खौफ होगा तो जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल करेंगे ना। अल्लाह का खौफ होगा तो किसी और का खौफ दिल में बड़ा नहीं होगा, उस्ताद का या माँ बाप का। बहुत दफ़ा आपके पास डिवाइसेस होती हैं, पेरेंट्स सर पे नहीं होते, वो नहीं देख पाते कि आप क्या कर रहे हैं, मसलन वो नहीं देख पाते ना। लेकिन उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपको डिवाइसेस दी होती हैं। तो जब अल्लाह का खौफ सबसे बड़ा होगा तो फिर किसी और का खौफ सेकेंडरी होगा, और जब इंसानों का खौफ बड़ा हो जाएगा तो उनके आने पे आप मसलन बोल रहे हैं तो खामोश हो जाएंगे, और अगर खामोश हैं तो पढ़ने लग जाएंगे, जाग रहे हैं तो सो जाएंगे, सो रहे हैं तो जाग जाएंगे, मसलन कुछ और कर रहे हैं तो कुछ और करने लगेंगे। यहाँ मुझे वो वाक्य याद आ रहा है कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे ना, तो बच्चे खेल रहे थे रोड पर, तो खेलते खेलते जब देखा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर आ रहे हैं तो कहने लगे कि बच्चे सारे छुप गए इधर उधर, तो एक बच्चा वहीं खड़ा रहा, ये अब्दुल्ला बिन उमर ही थे। तो उमर उनके पास आए और कहा, आप क्यों नहीं छुपे, क्यों नहीं भागे हो? कहते हैं, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ कि मैं छुपूं, मैं क्यों जाऊं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो हम चेंज क्यों, हमारे मोड्स क्यों चेंज हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं? हम कुछ वो कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना बनता, जो करना बनता नहीं है, और हमें डर होता है उसका जो आ चुका अपने हमारे ऊपर, और जो हमारे ऊपर है उसका डर नहीं होता। वरना हम वो पहले से ही छोड़ दें, या हम उस पर रहे ही ना, या हम उस पर आए ही ना। तो जब हम इंसानों से
مخلوق سے خالق سے زیادہ ڈرنے لگتے ہیں یا ان کا لحاظ خالق سے زیادہ کرنے لگتے ہیں جیسے اس نے